हेलो दोस्तों, आज मैं अपने टेरेस गार्डन से कुछ सब्जियां हार्वेस्ट कर रहा हूँ। तो दोस्तों, ये टमाटर है, ये आज हम पके हुए टमाटर सब हार्वेस्ट कर लेंगे। दोस्तों, आज हमारे भारत देश में कोरोना वायरस की वजह से पूरा भारत देश लॉकडाउन है। तो इस वक्त आप घर पर बैठकर अपने गार्डनिंग कर सकते हैं। दोस्तों, आपके टेरेस या आपकी कोई भी जगह हो, उधर आप कोई भी गमले या ग्रो बैग में सब्जियां या कोई भी फूल के पौधे भी लगाइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और आपका ये 21 दिन कैसे निकल जाएगा वो भी नहीं पता चलेगा। तो दोस्तों, मैंने भी अपने टेरेस पे ढेर सारी सब्जियां उगाई थी, लेकिन अभी गर्मियां स्टार्ट हो चुकी है तो बहुत सी सब्जियां अभी पौधे वो भी निकाल रहा हूँ मैं। और लेकिन कुछ पौधे अभी बाकी है, जैसे कि टमाटर, बैंगन है, मिर्चियाँ है, तो ये सब अभी मेरे टेरेस से मुझे मिल जाती है सब्जियाँ। तो दोस्तों, ये बैंगन का पौधा देखिए, इसमें कितना अच्छा बैंगन लगा है। इसका साइज़ देखिए आप दोस्तों, कितना बड़ा है। ये लंबे वाला बैंगन है। तो इस वैरायटी के मैंने दो तीन पौधे लगाए हैं। ये एक ही ग्रो बैग में मैंने दो पौधे लगाए, इसमें फिर भी इसमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला है। 2 से 3 दिन में मुझे यहाँ से बैंगन 4 से 5 आराम से मिल जाते हैं, एक एक ग्रो बैग से पौधे, एक पौधे से। तो आज ये हम बैंगन सारे हार्वेस्ट कर लेंगे, जो हमें आज सब्जियों में काम आ जाएगी। देखिए दोस्तों, आप अगर इस तरह से कोई सब्जियाँ उगा रहे हैं तो जैसी आज स्थिति हमारे देश में, इस टाइम पे आपको बहुत फ़ायदा होता है। आज मुझे भी अच्छा खासा फ़ायदा हो रहा है दोस्तों। बाज़ार से हम अनाज लेके आए, लेकिन ज़्यादातर सब्जियाँ मुझे टेरेस से ही मिल जाती है। टमाटर, मिर्चियाँ, बैंगन, हरा धनिया, ये सब मुझे अपने टेरेस से आराम से मिल जाता है, तो मुझे मार्केट में जाने की ज़रूरत नहीं होती इतनी ज़्यादा। हाँ, बाकी जो अनाज दाल है वो सब लेने जाना पड़ता है, लेकिन हरी सब्जियाँ ज़्यादातर मिल ही जाती है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ ये दूसरा पौधा है और इस पर भी ढेर सारे बैंगन लगे हुए हैं। कुछ बैंगन अभी हार्वेस्ट के लिए तैयार है और कुछ अभी छोटे हैं और फूल और कलियाँ भी लगी हुई है। ये दोस्तों दूसरे वैरायटी का बैंगन है, जो गोल साइज़ में आता है वही है दोस्तों। ये अभी छोटा है, इसको रहने देंगे। ये और एक टमाटर है अलग वैरायटी का दोस्तों, ये भी पक गए है, पूरा लाल हो गया है और कुछ अभी कच्चे है। दोस्तों, जब से लॉकडाउन का ऐलान हुआ है अभी 6 दिन हो गए, लेकिन एक भी बार मैंने मार्केट से टमाटर नहीं लाए। अभी 6 दिनों में हमारे टेरेस से ही मुझे टमाटर मिल गए हैं। अभी तो कुछ अभी बहुत सारे कच्चे टमाटर है, वो भी एक हफ्ते के बाद पक जाएंगे। तो हर एक हफ्ते के अंदर मुझे आराम से टमाटर तो मिल ही जाते हैं, तो मुझे मार्केट में लेने जाना नहीं पड़ता है दोस्तों। ये देखिए, ये सब टमाटर के पौधे मैंने सर्दियों में लगाए थे और मैंने सर्दी के सीजन में भी एक दो बार हार्वेस्ट किया है। टमाटर का तो मैं हर हफ्ते में एक बार हार्वेस्ट करता ही हूँ। ये दोस्तों चेरी टमाटर के जैसा दिख रहा है, लेकिन ये यहाँ से डाली टूट गई थी, इसलिए छोटे ये टमाटर 3 पक गए हैं। ये देखिए दोस्तों, कितने सुंदर लग रहे हैं, एकदम चेरी टमाटर अंगूर के जैसे लग रहे हैं मुझे तो। अभी टमाटर के अभी पौधे का अभी एक दो बार ही हार्वेस्ट होगा, अभी जितने भी निकलेंगे वो मैं निकाल लूँगा। और ये दोस्तों कुछ गाजर के लगाए थे मैंने ग्रो बैग में, गाजर और मूली दोनों लगाए थे, लेकिन मुझे इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिला है मूली में। गाजर में भी इतना अच्छा नहीं है, लेकिन ठीक ठाक मिल गया है। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने ऐसे ग्रो बैग में कोकोपीट और कंपोस्ट सिर्फ 2 चीज़ मिलाई थी मैंने, गार्डन सोइल इसमें नहीं मिलाई थी। तो इस तरह से मुझे रिजल्ट मिला है। मैं अभी जल्दी इसमें हार्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे अभी और टाइम इसको रखना था, लेकिन कुछ इसमें से पौधे में निकालता हूँ, देखता हूँ कितने गाजर निकलते हैं, बाकी का रहने दूंगा, फिर इसको तो कुछ दिनों के बाद निकाल। ये देखिए दोस्तों, तो कुछ इस तरह से गाजर मिले हैं छोटे छोटे।
मैंने इसको टाइम से पहले ही हार्वेस्ट कर लिया ऐसा लगता है मुझे। तो ये देखिए दोस्तों, कुछ मैंने पौधे ग्रो बैग में ऐसे ही रहने दिए हैं, और बाद में इसमें हार्वेस्ट करूँगा। थोड़े दिन और देखूँगा गाजर कितना साइज का बड़ा होता है, फिर हार्वेस्ट करके देखेंगे। और कुछ गाजर मैंने यहाँ लगाया है मिर्ची के साथ, और ये दूसरा मिर्ची का पौधा है, तो आज मिर्ची भी थोड़ी हार्वेस्ट कर लेंगे। दोस्तों मैं जितनी घर में ज़रूरत होती है इतनी ही हार्वेस्ट करता हूँ, तो आज कुछ मिर्ची ही चाहिए हमें घर में, तो कुछ मिर्चियाँ हार्वेस्ट कर लेता हूँ दोस्तों। ये दूसरा पौधा है मिर्ची का, और इसमें आप देख सकते हैं कितनी ढेर सारी मिर्चियाँ लगी थी। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने फूल धूप में रखा था, तो इसलिए इसकी जो सारी पत्तियाँ वो पीली पड़ गई थी, और ये मुरझाने लगा था पूरा पौधा। तो बाद में इसको मैंने छांव में रखा है, और इसमें कुछ गोबर की खाद मैंने मिलाई, और उसके एक हफ्ते के बाद आप रिजल्ट देखिए कितनी सारी ढेर सारी मिर्चियाँ लगी हुई है इस पर। अब ये देखिए हर ब्रांच पे ढेर सारी मिर्चियाँ आई है अभी, और फूल और कलियाँ भी लगी हुई है, तो खूब सारी अभी और मिर्चियाँ लगेगी इसमें। ये भी दोस्तों मैंने सर्दी के सीज़न में मिर्ची का पौधा लगाया था, ये देखिए और कितनी ढेर सारी मिर्चियाँ इसमें आ गई है, और इस पर और फूल बहुत सारे लगे हुए हैं। ये बटन रोज़ है, और ये गेंदे का फूल एक लगाया मैंने। दोस्तों ये सब जो आप पौधे देख रहे हैं ये सारे के सारे मैंने सर्दियों में लगाए हुए थे, और अभी इसका सीज़न ख़त्म ही होने वाला है। टमाटर है, जो बैंगन है, बैंगन तो फिलहाल और लगेंगे, लेकिन गर्मियों में थोड़े कम हो जाते हैं। अभी देखिए ढेर सारे जितने भी पके हुए टमाटर थे मैंने तोड़ लिए, और सब अभी कच्चे टमाटर है। ये भी एक हफ्ते के अंदर पक जाएंगे, तब इसके हम हार्वेस्ट कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, इस पौधे पर कितने सारे टमाटर है, इसमें इस पौधे पर लगभग 20 से 25 टमाटर आए हुए हैं। ये भी मैंने ग्रो बैग में लगाए हैं, आप देखिए दोस्तों बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला है मुझे इस पौधे पर। और इसके साथ मैंने गाजर भी ग्रो किया है, ये देखिए दोस्तों, ये छोटे से ग्रो बैग में गाजर और टमाटर एक साथ लगाए, फिर भी इतना अच्छा रिजल्ट मिला है, कितने ढेर सारे टमाटर आए हुए हैं। और ये बैंगन के पौधे, इस पे भी फूल और कलियां लग रही है, और बैंगन भी बने हुए अभी। तो दोस्तों ये सब सर्दियों के पौधे, जो कुछ पौधे अभी मैं निकाल लूँगा, और जो गर्मियों में जो टमाटर आते हैं वो सीड लगाऊंगा। हर सीज़न के अलग अलग होते हैं टमाटर, तो उस हिसाब से ही हम लगाएंगे। ये देखिए दोस्तों, अभी भी ढेर सारे बैंगन आ रहे हैं। ये देखिए इस पौधे के आप हाइट देखिए कितनी छोटी हाइट है, फिर भी हर एक पौधे पे 3 से 4 बैंगन आए हैं, और फूल और कलियां भी लगी हुई है। दूसरा ये जो वैरायटी के बैंगन है, इन सबको मैंने ग्रो बैग में दो दो पौधे लगाए हैं, और अगर मैं एक पौधा लगाता तो मुझे इससे भी अच्छा रिजल्ट मिलता शायद, लेकिन फिर भी अच्छा रिजल्ट है। ये देखिए ये सब कच्चे टमाटर है, ये सब पकेंगे तब हम हार्वेस्ट करेंगे। ये देखिए दोस्तों दोस्तों आज मैंने कुछ इतनी सब्जियां हार्वेस्ट की है, आज जो जितनी ज़रूरत होती है उस हिसाब से मैंने हार्वेस्ट किया है आज के दिन। तो दोस्तों अभी लॉकडाउन है, तो आप अपने घर पर रहिए, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, और मेरा वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।